हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आ गया हूँ रांची। अभी मेरे दोस्त शिव शरण के घर में रुका हुआ हूँ, जिसके साथ हम लोग कॉलेज में साथ में पढ़ाई करते थे। और गाइस, हम लोग साथ में आज जा रहे हैं रांची का ओरमांझी पार्क, मीन्स ओरमांझी जू। ये एक प्रकार का चिड़ियाघर है, लेकिन इसे ओरमांझी पार्क कहा जाता है। और दोस्तों, क्या ही बोलूँ, जो मेरा दोस्त है वो कैमरा में दिखना नहीं चाहता है। वो मुझे पहले ही हिदायत दे दिया कि मेरा शक्ल कैमरा में आना नहीं चाहिए, इसलिए मैं उसको नहीं दिखाऊंगा कैमरे पे। तो जाने को तो साथ में ही जाएंगे, और जितना हो सके चिड़ियाघर में जितना भी जानवर है सबको आपको दिखाएंगे। और वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, आपको भी ले चलते हैं रांची का ओरमांझी पार्क। ये चिड़ियाघर है, जू है, जू। तो अभी हम लोग ओरमांझी पार्क पहुंच चुके हैं, और ये पार्किंग एरिया है यहाँ का। और अभी चलिए फटाफट यहाँ से टिकट ले लेते हैं। यह है टिकट काउंटर, और देखिए दोस्तों, हमने टिकट ले लिया है। अभी पर व्यक्ति 40 रुपीज़ के हिसाब से दो आदमी का टिकट लिए हम लोग, और घुस भी गए अभी अंदर। और देखिए, सबसे पहले बर्ड्स केज की साइड। बर्ड्स तो छोटे छोटे हैं, केज बहुत बड़ा बड़ा है, इसलिए उतना क्लियर दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो दिखेगा उसे ज़रूर दिखाएंगे। इधर है लव बर्ड्स, देखिए छोटे छोटे हैं और जाली की वजह से दिखाई नहीं देता है क्लियरली। और इधर दोस्तों मोर बैठा है, देखिए पीकॉक। और इधर एक मोरनी है, और मोरनी के बच्चे भी हैं, देखिए आराम कर रहे हैं। और ये है ईमू दोस्तों, जिसे कहा जाता है शुतुरमुर्ग। ये भी खूब मस्ती कर रहे हैं केज के अंदर, देखिए इधर उधर भटक रहे हैं। केज के अंदर काफ़ी सारे ईमू हैं दोस्तों, लेकिन सबको अलग अलग रखा गया है साइज के हिसाब से। और ये है बड़े साइज वाला, बूढ़ा वाला, और बच्चों को अलग से रखा गया है। और ये क्या पक्षी है, नाम तो नहीं है इसका, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है देखने में। इसका बीक को देखिए, कितना डिजाइनदार बीक है। इधर है सुनहरा तीतर, केज तो इतना बड़ा है लेकिन दो तीतर खाली दिख रहे हैं, वो भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं। और यह है कोमल हिल मैना, पहाड़ी मैना। ये पक्षी का नाम भी नहीं है, लेकिन देखने में काफ़ी खूबसूरत पक्षी है। इधर है ब्लैक काइट, जिसे कहते हैं चील। और ये देखिए अपना भोजन कर रहे हैं, यहाँ मीट खा रहे हैं। और यह गरुड़ का केज, देखिए कितना बड़ा है इसका बीक एंड नेक भी, और पैर भी बहुत लंबा है इसका। भारतीय बाघ। इधर है दोस्तों टाइगर, देखिए किधर मस्ती से वॉकिंग कर रहा है अभी केज के अंदर। यह है दोस्तों तेंदुआ, एक तेंदुआ पेड़ के ऊपर आराम कर रहे हैं, देखिए। और एक इधर विशाल तेंदुआ, बूढ़ा तेंदुआ वॉकिंग कर रहे हैं मस्ती चाल में। इसे कैमरे में आने का बहुत शौक था, इसलिए अपना वॉकिंग प्रदर्शन कर रहे हैं। और इधर देखिए, ये छोटे पेड़ में तेंदुए के बच्चे लटके हुए हैं, मीन्स वो चढ़कर आराम कर रहे हैं। और इधर है जंगली बिल्ली, जंगल कैट। ये एकदम घरेलू बिल्ली जैसे ही होते हैं, दिखने में सेम है, लेकिन इन लोग का रहने का जगह अलग अलग है। ये जंगल में रहते हैं और घरेलू वाले लोगों के घर में रहते हैं, जिसे हम कहते हैं बाड़ो। ये बाड़ो है दोस्तों। चलिए लायन का दर्शन कर लेते हैं। आप शेर देखिए, इधर विशाल शेर खड़ा है, देखने में कितना डरावना और ख़तरनाक लग रहा है, लेकिन तितली को डर नहीं है, उसे परेशान करने में लगी है, देखिए सामने। काफ़ी बड़ा है दोस्तों, और दिखने में तो बूढ़ा है जैसे लग रहा है, लेकिन काफ़ी ताकतवर भी है। अभी चला झाड़ी की ओर, थोड़ा साइड में आ गया था।
ये दे, आराम करने आप सो गया यहाँ। और ये है दोस्तों ओरमांझी पार्क का ओरिजिनल पार्क, मीन्स पार्क के बीच का प्यारा सा नज़ारा। पार्क छोटा सा बनाया गया है यहाँ, और यहाँ देखिए सामने आर्टिफिशियल हाथी है, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। देखिए घास द्वारा इसे बनाया गया है। ये स्पाइडर कहीं रखा नहीं गया है केज में, लेकिन दिख गया तो मैं कैप्चर कर। हम लोग घूमते घूमते एकदम थक चुके हैं, तो थोड़ा चलते हैं कैंटीन की ओर, कुछ मिलता है तो खा लेते हैं, पानी वानी पी लेते हैं, फिर घूमते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इधर छोटा सा पार्क बनाया गया है, उसी के बगल में यहाँ कैंटीन है पार्क का, देखिए। और यहाँ काफ़ी लोग आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, और काफ़ी खूबसूरत जगह एकदम बीचों बीच में है। इसी के बगल में एक तालाब है, और यहाँ का नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत है, देखिए। अभी तो हम लोग आधा भी नहीं घूमे हैं। और ये तालाब में बोटिंग सिस्टम भी है, लेकिन अभी पता नहीं किस वजह से यहाँ ये बोटिंग सिस्टम बंद है, शायद यहाँ पानी ज़्यादा हो गया है अभी। और ये कैंटीन वाले भैया अभी गरम गरम समोसा निकाले हैं, लेकिन हम लोग समोसा नहीं लेंगे, आलू चाप और पेप्सी लेंगे। गाइस जब हम ओरमांझी आए और ये आलू चाप ना खाए यहाँ कैंटीन का, ये तो हो ही नहीं सकता है। और ये मेरा यहाँ का फेवरेट चीज़ है, बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ में ले लिया हूँ मैं ये पेप्सी। अभी थोड़ा सा बैठ के आराम कर रहा हूँ, आलू चाप खा लेता हूँ, उसके बाद में आगे चलते हैं। पेप्सी पिया जाए थोड़ा। अभी हम लोग पार्क के एकदम बीचों बीच में हैं, और अभी इधर पूरा जंगल है, और लवर्स का अड्डा वो है। और अभी हम लोग जा रहे हैं सियार देखने, सिकटा। तो अभी पहुंच गए हैं इंडियन फॉक्स का केज, चलिए देखते हैं इंडियन फॉक्स। ये है दोस्तों इंडियन फॉक्स, जिसे हम कहते हैं हमारे देहाती भाषा में कहते हैं लोयरू सिकटा, लोयरू सियार। ये छोटे साइज के होते हैं, और इसी के बगल में है जैकल सियार, देखिए। लेकिन अभी सारे केज के अंदर में घुसे हैं, शायद किसी को बाहर आएगा तो कैप्चर कर लूँगा। और देखिए इधर एक बाहर निकल रहा है, और ये है सियार जैकल, शायद ये यूट्यूब में आने के लिए बाहर निकला था, अभी अंदर जा रहे हैं, अंदर घुस जाएगा, देखिएगा। वो देखिए चला गया अंदर। और चलिए अब चलते हैं देसी भालू देखने के लिए। और इधर देखिए दोस्तों काफ़ी सारे भालू हैं, यहाँ खूब मस्ती कर रहे हैं, और ये हमेशा ऐसे ही खेलते रहते हैं, देखने में तो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं इस नज़ारा में। ये लड़ते नहीं हैं, कितने प्यार से खेलते रहते हैं। बहुत सारे हैं दोस्तों अंदर, अभी वो केज के बाहर ही निकले हैं, सारे खेलने में व्यस्त हैं, इधर उधर हैं। उधर ऊपर देखिए एक ऊपर चढ़कर खेल रहा है, और इधर देखिए एक स्नान कर रहा है, नहा रहा है, और इधर बाकी सारे खेल रहे हैं। ये है लक्कड़ बग्घा, और ये भी काफ़ी ख़तरनाक होता है, ये किसी जानवर से नहीं डरता है, शेर चीता टाइगर किसी से नहीं डरता है दोस्तों, उन्हें ही डरा के भगा देता है। और इधर देखिए आकर यहाँ हगने लग गया, पता नहीं हगने के बाद कहाँ जाएगा, क्या करेगा। साला ये तो हगने ही आया था मेरे सामने, और हग के भग गया, देखिए। सभी केज के अगल बगल में गार्ड्स उपस्थित रहते हैं, ताकि किसी को कोई खतरा ना हो। तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं मगरमच्छ का अड्डा, क्रोकोडाइल। और ये देखिए इधर एक सोया पड़ा है पानी के बाहर में, धूप में मुंह फाड़ के आराम कर रहा है, और एक तो खोपचे में है, वो कैप्चर नहीं हो रहा है कैमरे पे। और चलिए अब देखते हैं सांभर। ये है दोस्तों सांभर, देखिए इसका सींग बहुत बड़ा बड़ा है, और कितने आराम से खड़े हुए हैं सब। और इधर देखिए लड़ाई कर रहे हैं दो, कितने प्यारे लगते हैं इसे जब लड़ते हैं तो। और इसी के बगल में है दोस्तों पोर्क्यूपाइन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं साहिल, और हम तो हमारे देहाती भाषा में कहते हैं सही।
इनका एक खासियत ये है दोस्तों कि इनके शरीर में जो बाल मौजूद दिख रहा है वो बाल नहीं, वो एक प्रकार का कांटा है, और जब भी इन्हें खतरा महसूस होता है तो अपने शरीर के कांटे को खड़े कर देते हैं ताकि जो भी इसे अटैक करे उसके ऊपर इनका कांटा चुभ जाए। और बड़े बड़े जानवर भी इसका शिकार जल्दी नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसके शरीर में कांटा होता है, वो अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं वो कांटा को। देखिए जिस कैसे खड़ा कर रहे हैं वो कांटा। और ये है दोस्तों नील गाय, काफ़ी शांत स्वभाव वाला जानवर। यह भी शांत है लेकिन रोड में ये अचानक से कूद जाते हैं, लेकिन हमारे साइड तो बहुत कम पाए जाते हैं इसलिए कोई खतरा नहीं है। और अभी मैं अकेले हूँ, मुझे भी कोई खतरा नहीं है क्योंकि मेरे सामने बाउंड्री है और मैं ऊपर हूँ, ये नीचे है, मुझे ही देख रहे हैं सब। देखिए, और चलिए अब मिलते हैं नन्हे सम्राट से। तो गाइस, यह है एशियन एलिफेंट और अभी एक बेबी एलिफेंट है, इसलिए सामने लिखा गया है कि नन्हे सम्राट से मिलिए। और ये काफ़ी नटखट है दोस्तों, ये बच्चा बेबी एलिफेंट। देखिए हाय कर रहा है, हेलो। और ये बेबी एलिफेंट बहुत ही नटखट है दोस्तों, गार्ड के बार बार मना करने के बावजूद भी ये गड्ढे की ओर बार बार आता है। और गार्ड ने कहा कि अपने खुशी से कुछ दे दो इनके लिए, तो मैंने यहाँ इनके लिए 20 रुपया दे दिया। फिर से गड्ढे की ओर जा रहे, देखिए गाइस, हम लोग घूमते घूमते बहुत देर हो गई है और थकान बहुत जोर हो रही है, हम लोग घूम के ख़त्म ही नहीं कर पा रहे हैं। और अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं, पता नहीं और कितना टाइम लगेगा यहाँ से निकलने में। और इधर देखिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे जानवर, कृष्ण मृग बोलते हैं इसे हिंदी, शुद्ध हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक बक। चलिए बैक कैमरा से एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। गाइस वहाँ ब्लैक बक थोड़ा दूर में था इसलिए दिखाई नहीं दिया, लेकिन चलिए आपको दिखा देता हूँ सामने से चीतल को, एकदम बहुत ही भारी संख्या में अभी घास खा रहे हैं। ये है दोस्तों चीतल, और ये केज के अंदर बहुत ही भारी संख्या में है, और कितने खूबसूरत लग रहे हैं देखिए, सब मिलकर घास खा रहे हैं, कितने प्यारे इसे लग रहे हैं। ये है छोटे साइज वाला, इसे अलग केज में रखा गया है, और बड़े साइज वाला को अलग केज में रखा गया है, उसको भी दिखा दूंगा मैं आपको। इसी के बगल में रखा गया है दोस्तों बड़े साइज वाला, देखिए इसके लिए अलग केज है। इनका सींग भी उग गया है लेकिन इनकी संख्या थोड़ा कम है यहाँ। ये है जंगली भैंस, जिसे वायसन भी कहा जाता है, और ये इसका शरीर को तो देखिए कितना हट्ठा कट्ठा, कितना मजबूत नज़र आ रहा है, इसके सींग भी इतना तगड़ा है। देखिए इसी के बगल में और एक है, वो भी घास खा रहा है, बहुत ही मस्त नज़ारा है, अभी तो खुले में है, ये देखिए। चलिए अब देखते हैं हिपोपोटामस, जिसे हम कहते हैं दरियाई घोड़ा, और ये देखिए विशाल हिपोपोटामस यहाँ खड़ा है घास खा रहा है, और इसका एक बेबी भी है साइड में बैठा है, देखिए वो भी घास खा रहा है, और इसका मुंह तो बहुत विशाल है। चलते चलते अभी थोड़ा ठंडा हो लिया जा रहा है। और अभी हम पहुंच गए हैं घड़ियाल का दर्शन करने, और इधर देखिए काफ़ी सारे घड़ियाल पानी के बाहर निकल कर आराम कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मगरमच्छ और घड़ियाल एक ही प्रकार के प्राणी हैं, फ़र्क बस इतनी सी है कि घड़ियाल का मुंह थोड़ा छोटा होता है और लंबा होता है, और मगरमच्छ का मुंह चौड़ा और बहुत बड़ा होता है। यह है लंगूर का केज, और अभी मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ। जैसे ही मैं केज के पास में पहुँचा, एक लंगूर आकर मुझसे आइसक्रीम मांगने लगा। मुझे इन पर दया आ रही है और मैं इसे दे भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि हम इन जानवरों को कुछ खिलाने के अलाउड नहीं है, और बगल में गार्ड्स भी बैठे हुए हैं। और दोस्तों मैं जब यहाँ से जाने लगा तो ये बेबी लंगूर को देखिए मेरे पीछे दौड़ने लगी। मंकी केज, और हम लोग आ गए हैं अभी बंदर देखने।
दोस्तों बंदरों की संख्या तो अभी काफ़ी कम लग रही है, बहुत कम लग रही है, बहुत कम ही बंदर दिखाई दे रहे हैं, सब अपने अपने में व्यस्त हैं। और गाइस फाइनली हम ओरमांझी पार्क का सभी जानवरों का दर्शन कर चुके हैं और अभी शाम के 5 बज गए हैं और अभी हमारा जाने का वक्त भी हो गया है, तो अभी बहुत दूर जाना है और अभी हम लोग एग्जिट की ओर जा रहे हैं। अभी हम लोग ओरमांझी जू से निकल चुके हैं और जा रहे हैं और गाइस आज का वीडियो यहीं ख़त्म करना पड़ेगा और आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी। और दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, तो अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ओके गाइस आज के लिए इतना ही और जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू गाइस।